मोहम्मद फुरकान नूरी पीलीभीत शरीफ उत्तर प्रदेश इंडिया से इन्होंने सवाल किया है कि नमाज तरावी में अगर दो रकत के बजाय तीन रकत पढ़ ली बिना तशहुद में बैठे तो क्या उन तीन रकतों को तरावी की 20 रकतों में शामिल किया जाएगा या नहीं। और ये कह रहे हैं कि फिर कुरान शरीफ कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, दो रकत में जहाँ से पूरी हुई थी वहाँ से या तीन रकत में जहाँ से पूरा किया वहाँ से पढ़ेंगे, वजाहत फरमा दें। तीन रकात तरावी अगर पढ़ी और दूसरे पर तशहुद नहीं किया है तो तीनों रकात तरावी नहीं हुई है, और वो जो कुरान उसमें पढ़ा गया है तो वो कुरान भी पूरा, यानी तीन रकात में जितना कुरान पढ़ा है उतना कुरान फिर से पढ़ना पड़ेगा ताकि ख़त्म कुरान में नक्श लाजिम ना आए। क्योंकि तरावी का दूसरा कायदा जो है, दूसरी रकात पर जो होता है वह फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ छोड़ देने के बाद नमाज नहीं होती है, तो ये तरावी न हुई, और इसमें जो कुरान पढ़ा गया वो तरावी में गोया न पढ़ा गया। लिहाजा कुरान जितना इसमें पढ़ा गया है उतना फिर से पढ़ा जाए, और इस तरावी को 20 रकात में शुमार नहीं किया जाएगा।